नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉल या रिप्लाई कर लूँगा। तो आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे हम लोग, इनकी एज है 27 ईयर्स और ये मेल है और अपने मेनली कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग पहले पाम की ओवरऑल एनालिसिस से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग लाइंस और जो सारे क्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे, शेप की बारे में बात करेंगे, तो ये जो शेप है ये मिक्स शेप, मिक्स शेप मतलब ना ही ये टोटली रेक्टेंगुलर शेप में है ना ही ये टोटली स्क्वायर शेप में है। ठीक है, जब दोनों ही शेप का क्वालिटी एक पाम में हो तो ये इस तरीके का मिक्स पैटर्न बनते हैं। ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, दोनों ही तरीके का काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। पाम की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है तो ये इंसान मेहनती होंगे, लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात होती है, ऐसे लोगों को सक्सेस भी मिल जाती है, क्योंकि लंबे समय तक मेहनत करने का क्वालिटी, दोनों ही तरीके का काम करने का क्वालिटी ये दिखाती है। किसी भी तरीके का काम इनके पास आए ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। थम की बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव थम है इनके। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये लंबी है और पतली है। लंबी थम मतलब ये इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी रहेगी। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस मतलब कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप अपने बॉस का बहुत ही अच्छे आपको जो आपका जो बॉस रहेगा उनके भी आप प्रिय रहेंगे, आपके अंडर जो काम करेंगे आप उनके भी बहुत प्रिय रहेंगे, मतलब करीब रहेंगे। दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से ये तालमेल में ला के काम करवा सकते हैं। आस पड़ोस के भी बहुत अच्छे लोग, मतलब अच्छे मानते हैं सभी इनको। तो ये एक पॉपुलर इंसान रहेंगे, जो कोई भी बात बोलेगा तो लोग उनकी जो बात है वो मानेगा। ये होती है इन्फ्लुएंस की क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, आप उसको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, आपका जो ऑर्डर हो मान रहे हैं। जैसे कि टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को जनरली हम लोग बोलते तो हैं पढ़ाई करने के लिए, मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर ही देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी ही दिखाया जाते हैं उनमें, ठीक है ना। उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बच्चे उनके बात मानेंगे। सिमिलरली एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉय को या अपने जो जूनियर से उनको ऑर्डर देंगे काम के लिए डायरेक्ट, वो मानेगा या नहीं मानेगा वो मैनेजर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इनके थंब में ये जो स्ट्रेंथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक लीडरशिप क्वालिटी, दूसरी इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी। दोनों ही पार्ट हम लोग देखे व्हील और लॉजिक सेम है करीब करीब, ठीक है। लॉजिक पार्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो मैनेजमेंट की क्वालिटी इनमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये थोड़ी हमें बड़ी देखने को मिल रही, तो मैनेजमेंट की क्वालिटी थोड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन जो ये जगह है विल पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे पाम हम लोगों को इंडिकेट कर रहा था कि दोनों ही तरीके का काम, और यहाँ पे थम जो देख, मतलब फिजिकल और मेंटल, यहाँ पे थम देखने को मिल रही, दोनों थम में भी दोनों ही तरीके का काम होती है। एक क्या होती है कि एग्जीक्यूशन और दूसरी प्लानिंग। प्लानिंग मतलब दूसरों से करवाना, एग्जीक्यूशन मतलब खुद करना। तो ये इंसान दोनों ही तरीके का काम करेगा, मतलब ये इंसान सुपरवाइजर लेवल, जूनियर मैनेजर लेवल, मैनेजरियल लेवल, इस तरीके का लेवल पे ये अच्छी तरीके से काम कर पाएगा और आगे चल के इनका कैरियर भी उसी तरीके से इनके पास आएगा, मतलब इसी तरीके का ये पोस्ट पे काम करेगा। अगर नौकरी करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो ऐसी बिजनेस करेगा जिनके अंडर कुछ लोग लगेगा इनको, मतलब इंडिपेंडेंटली खुद सेल्फ बिजनेस करेगा ऐसा नहीं है, इनको लोग लगेगा इनके अंडर में जिनसे ये काम करवा पाएंगे, ठीक है। फिंगर्स की फॉर्मेशन नॉर्मल है। ये जो देखने को मिल रही ना कि ये जो जुपिटर की फिंगर है थोड़ी थंब की तरफ इस तरीके से झुकी हुई है, ये इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बनाता है। ऐसे लोग थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं घर से, तो इनके लिए सेल्स के काम अच्छे रहते हैं। नई नई जगह पर घूमने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। ऐसे लोग थोड़े डिमांडिंग भी होते हैं दूसरों से, चाहे उनका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोग जो ना, ठीक है, चाहे वो उनका जूनियर हो, सीनियर हो, कुछ भी हो, थोड़ी डिमांडिंग रहते हैं। तो ये हो गए इनकी ओवरऑल पाम की जो क्वालिटीज़ है वो सारे। अगर हम लोग इनके माउंट्स की बात करेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। नहीं, इसी में से देख लेते हैं, यहीं में साफ दिखेगा। तो माउंट की अगर बात करेंगे, मार्कड़ी माउंट से शुरू करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जगह कितनी मिली। देखिए जगह मोटा मोटी मिली है ऊपर अपर माउंट की ना,
बहुत स्ट्रांग नहीं मिली, लेकिन हमें सो ये भी देखना चाहिए कि इनकी एज सिर्फ 27 ईयर्स है। आगे चल के जगह तो नहीं बढ़ती है, लेकिन इस माउंट में क्या होती है, मांस आ जाती है ज़्यादा, तो तब क्या होती है, हम लोगों को बड़ी देखने को मिलती है जगह, और ये माउंट अगर फूल जाती है स्ट्रांग और ज़्यादा होती है तो बेहतर रहेगा। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिल रही है, एक लिमिटेड जगह ही देखने को मिल रही है। मतलब इनका जो सक्सेस है फाइनेंशियली, ठीक है, वो एक लिमिटेड रहेगा, बहुत बड़ी हाई पोजीशन अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक ऐसे इंसान के फाइनेंशियल रहेगा जैसे जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हायर मिडिल क्लास वाली जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करेगा कौन सी जगह पे आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह की अनुसार जो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी है उसको आप इन्जॉय कर पाएंगे। इंडिविजुअल माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट, मरकरी की लाइन हमें यहाँ पे छोटी सी लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे हल्की लाइन देखने को मिल रही है, और मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी लाइन भी है, तो मरकरी तो स्ट्रांग है, ठीक है, मरकरी स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि इनमें एनालिसिस करने की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बिजनेस की समझ अच्छी रहेगी, ये सब कुछ इनमें क्वालिटी रहेगी। मरकरी माउंट की जगह बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अपर माउंट की जगह ही कम मिल रही है, तो मरकरी माउंट के हिसाब से उतनी स्ट्रांग नहीं। शायद इन्होंने मरकरी की रेमेडी भी ले रखी है, अगर आपने पन्ना पहन रखा है तो ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपने ठीक रेमेडी चूज़ किया है। सन माउंट की बात करेंगे, देखिए मिक्स शेप की पाम है ना, तो यहाँ पे हमें सनलाइन स्ट्रांग चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रांग है, इतना बड़ा मैं नहीं मांग रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट हार्ट लाइन को तो काट के नीचे आना चाहिए, तो क्या, तो उसमें क्या होगी, सन की जो स्ट्रेंथ है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सन माउंट में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लाइन, मतलब माउंट ठीक ठाक है, माउंट स्ट्रांग है, मरकरी माउंट के कंपैरिजन में सन माउंट ज़्यादा स्ट्रांग है, बड़ी है, लेकिन लाइन एब्सेंस है, तो इसे हम लोग और ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत पावरफुल है सन माउंट। इसके कारण क्या होगी, आपकी गुडविल मिलेगा, लेकिन जितना आप डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करेंगे, जो पोजीशन आप डिज़र्व करेंगे, जितनी सक्सेस आप डिज़र्व करेंगे, वो मिलने में तकलीफ आएगी लंबे समय तक। मतलब जो अब अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि एक साल में मुझे कोई प्रमोशन मिलेगा, तो शायद हो सकती है कोई 2.5-3 साल लग जाए, तो इस तरीके का जो है आपका स्ट्रगल रहेगा सन माउंट के कारण। हाँ, सन माउंट में एक चीज़ पॉजिटिव है कि यहाँ पे एक हल्का सा ट्रायंगल बन रही है, तो इनके इसके कारण आपके जो खुद के जो एसेट है वो आप बना पाएंगे, घर ज़मीन जायदाद, ठीक है ना, वो आपका होगा। यहाँ पे नॉलेज लाइन भी है, तो आप धीरे धीरे आप जब आप काम में ज्वाइन करेंगे आपका नॉलेज होगा, उस नॉलेज के द्वारा आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगा। सैटर्न माउंट में स्क्वायर साइन है, ये एक साइन ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं इसे आप, और इसे आप स्क्वायर भी कह सकते हैं अपर माउंट में। तो फ्लैग पैटर्न हो या स्क्वायर हो, एक्चुअल हम लोगों के ऊपर में एक स्क्वायर तो मिल ही जाती है, तो स्क्वायर साइन अगर सैटर्न माउंट में है तो साइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है। किसके लिए प्रोटेक्शन, अगर लाइफ लाइन में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, इस लाइफ लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ पे सैटर्न माउंट में देखने को मिल रही है। फ्लैग पैटर्न जरिए क्या समझ में आ रही है कि लेटर एज में इनको काफ़ी फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सैटर्न माउंट जो होती है वो हेल्थ को और फाइनेंस, इस दोनों चीज़ को ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये दिखा रही है कि लेटर लाइफ में आफ्टर 50 आपको अच्छी प्रोग्रेस फाइनेंशियली मिल पाएगी। जुपिटर माउंट स्ट्रांग है, जुपिटर माउंट स्ट्रांग है, जुपिटर की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, देखिए करीब करीब सैटर्न फिंगर और सन फिंगर के जैसे ही लंबी है। तो ये जो जुपिटर फिंगर ज़्यादा लंबी है, जुपिटर माउंट भी ज़्यादा ऊपर है, तो इनमें क्या है, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, जो भी ये काम काज करेंगे उनमें जितनी भी सक्सेस मिलेगा, मेन चीज़ क्या है, सेटिस्फेक्शन होना, तो इनको सेटिस्फेक्शन रहेगा अपने सक्सेस से, अपने काम काज के क्वालिटी से, ज़िंदगी में जो भी कुछ ये अचीव करेंगे उसको लेके ये सेटिस्फाइड ज़रूर रहेगा। और क्या चीज़ रहेगी, जो ये फिंगर अगर अच्छी लंबी हो तो ऐसे लोगों में जो है लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन रहती है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे देखेंगे सलमन रिंग है, स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग है, तो ये निष्ठावान लोगों की पहचान होती है। किस चीज़ की निष्ठावान, काम के प्रति, धर्म के प्रति, ठीक है ना, कोई भी काम करे चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो या जो भी काम ये करना चाहता है इस ज़िंदगी में, उसको लेके ये निष्ठावान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें कैसे सक्सेस मिले, कैसे तरक्की पाए, कैसे और कुछ हम सीख सके, ठीक है ना, ये सारे निष्ठा के जो है क्वालिटीज़ होते हैं जो इनमें बहुत अच्छी रहेगी। तो जुपिटर माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, जिनके द्वारा आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, आपको निष्ठावान बनाएगा और थोड़ी बहुत सक्सेस में और लीडरशिप में भी ये मदद करेगा।
मंगल माउंट ठीक ठाक है, मंगल माउंट उतनी ज़्यादा जगह तो मिल रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा है नहीं। तो फील्ड में आप काम कर पाएंगे, थोड़ा बहुत फील्ड में काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप कर पाएंगे। दोनों ही मंगल माउंट हमें क्लियर देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट साइन हम लोगों को देखने को मिल रही है, साइन भी प्रोमिनेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एंजल लाइन छोटी छोटी है, इसी टाइम में कुछ लाइफ लाइन में कट भी है, ठीक है ना, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट था और इसके पैरेलल ही हमें यह जो है एंजल लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनको लाइफ में जब भी दिक्कत आएगी, यह एज रहेगा आपका करीब करीब जो हमें देखने को मिल रही है 28 से लेकर करीब करीब 35 तक, छोटी मोटी दिक्कत, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हेल्थ वाइज आ सकती है, फाइनेंशियली आ सकती है, इमोशनली मतलब सब कुछ आ जाती है, खुद का कुछ प्रॉब्लम, फैमिली का कुछ, किसी रिलेटिव का कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ या फाइनेंशियल कुछ भी जिससे हम लोग इमोशनली कमज़ोर पड़ते हैं, वो सारे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उससे आप लड़ पाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डैमेज नहीं कर पाएगी क्योंकि आपके लिए सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रही है कि मीडियम मंगल माउंट, वेनस माउंट स्ट्रांग है, तो आपके लिए ऐसा फील्ड अच्छा रहेगा जहाँ पे ग्लैमर लाइफ हो, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो, जैसे कि कोई फैशन इंडस्ट्री हो, जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री हो गई आपकी, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं जो आलीशान मकान बनते हैं उस तरीके का इंडस्ट्री आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें जहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं जहाँ पे कम पैसे भी खर्च कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे कि कार अगर किसी को ज़रूरत हो तो ऐसा कार भी ले सकते हैं कि जो ज़रूरत के लिए काम चल जाएगा, या फिर थोड़ी महंगी कार भी ले सकते हैं। तो अगर आप किसी कार कंपनी में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो आप उस कार कंपनी में जाइए जो ज़्यादातर लग्जरियस कार बना रही हो, रियल एस्टेट में भी ऐसा है, गारमेंट्स में भी ऐसा रहेगा, और अगर आप फैशनेबल इंडस्ट्री जो जनरली जो ग्लैमरस इंडस्ट्री रहती है, जैसे फोटोग्राफी हो गई, सिनेमेटरी हो गई, सिनेमा ओरिएंटेड कुछ भी हो गया, जो मनोरंजन के लिए ज़रूरत होती है इंसान को, वो सारे काम, ठीक है, जहाँ पे लग्जरी थोड़ी बहुत भी दिखे वो सारे चीज़ों में आप काम खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। चंद्रमा जगह अच्छी मिल रही है, बड़ी है, क्लीन है, चंद्रमाउंट क्लीन होना मतलब ये दिखाती है कि आपकी थिंकिंग में बहुत क्लैरिटी रहेगी, बहुत ही क्लैरिटी रहेगी, इमेजिनेशन पावर हाई रहती है, और ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी रहती है, अगर ये लोग मेडिटेशन वगैरह करें ना तो ऐसे लोगों की जो है इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहती है। यहाँ पर देखेंगे कि खड़ी लाइन भी है, तो मेहनत जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, इस बात की तो सोच में रखिए मत कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आगे चल के ये लाइन बताएगा, अगर इसी तरीके का रहती है लाइन क्लियर तो हमेशा ही आपको मेहनत का फल जो है क्लियर कट मिलता रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की, देखिए हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों ही लाइन हम लोगों को धागे जैसे देखने को तो मिल रही, लेकिन ये उतनी स्ट्रांग है नहीं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। हार्ट लाइन में क्या है, हार्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही, यहाँ पे देखेंगे शेडोज टाइप के है और बहुत ज़्यादा मोटी है, ऐसा लग रहा है कि दो पैरेलल लाइन से बन रही है, देखिए बहुत करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे एक लाइन है और ऊपर एक लाइन है पतली पतली, उसके बीच में शेडो है जिनके कारण ये लाइन मोटी बन रही है, यहाँ से एक लाइन आके माइंड लाइन में मिल रही है, तो ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस को दिखाती है, रिलेशनशिप में थोड़ी तनाव रहेगा आपका, ठीक है, शुरुआत में रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, आगे चल के ठीक होगा, बहुत ज़्यादा डैमेजेबल नहीं है, तो इमोशनल प्रॉब्लम मतलब रिलेशनशिप में इमोशनल प्रॉब्लम आएगी जिनके कारण रिलेशनशिप के द्वारा आपको तकलीफ मिलेगा, ठीक है, हो सकती है कि शादी से पहले ही हो जाए दो तीन रिलेशनशिप जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा दुख मिले, जो ब्रेकअप के बाद मिलती है जनरली, उसके बाद शादी हो जाए कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी पीड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लेना है, अगर वो शादी से पहले हो जाती है तो शादी के बाद नहीं होगी, अगर शादी से पहले नहीं होती है तो शादी के बाद ही होगी। माइंड लाइन भी इसी तरीके का है, लेकिन माइंड लाइन की मेन पॉजिटिवनेस क्या है, ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, हाई एम्बिशन पर्सन की इंडिकेशन दिखाती है, ऐसे लोगों की एम्बिशन है एक पोजीशन में पहुंच जाऊं, ज़्यादा पैसे की फिक्र नहीं रहती है क्योंकि जुपिटर से आ रही है, तो जुपिटर क्या है, पैसे के पीछे भागा मतलब भागते नहीं है, पोजीशन रिस्पेक्ट ताकत के पीछे भागते हैं, तो ऐसे लोगों की एम्बिशन भी ऐसी ही होगी कि मुझे बड़ी पोजीशन मिल जाए चाहे पैसे कम मिल जाए, ठीक है, बड़ी पोजीशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी में एक जगह मिले,
ठीक है, तो उसके पीछे ये लोग ज़्यादातर भागते हैं। जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं उस चक्कर में, ज़्यादा सोशल वर्क कर लेते हैं सोसाइटी के लिए, जो फ्री में काम करना, एनजीओ करना, ठीक है ना, उसमें तो पैसे कम मिलते हैं या नाम मिलते भी नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट पोजीशन मिलती है ऐसे लोगों की, जो है इस तरीके का ये चूज़ करते हैं। कैरियर भी बहुत सारे लोग ऐसे चूज़ कर लेते हैं कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे जो है कम मिल रहा है, तो उस तरीके का इनका कैरियर का भाव रहेगा, उसी तरीके का ये कैरियर आगे चल के चूज़ भी करेंगे। ठीक है, जब ये और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे तो और ज़्यादा इनको ये चीज़ की जो है माइंड लाइन प्रेशर देगा इनको, और उस तरीके का ये करियर करेगा। हो सकती है कि इनका करियर रहे जहाँ पे अच्छे खासे ये पैसे कमाए, लेकिन साथ में ये कुछ उस तरीके का भी काम करेगा जहाँ पे इनको नॉन प्रॉफिट हो, लेकिन जिनके द्वारा इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, पोजीशन मिले। ये जो लाइन हमें गैप देखने को मिल रही है ना बिटवीन लाइफ लाइन और माइंड लाइन, ये दिखाती है लोगों को इंडिपेंडेंट नेचर की इंडिकेशन। ऐसे लोग खुद का डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं, मैंने ये डिसीजन लिया है तो मैं इसी तरीके का ही काम करूँगा, चाहे कोई भी उनको कुछ भी बोले। ठीक है, जब तक कि ये खुद से ये कंफर्म नहीं होती है कि हाँ ये डिसीजन सही, मतलब कोई दूसरा अगर इनको कोई सजेशन भी दे, लेकिन ये इसको खुद के अंदर ये एनालिसिस करेंगे, अगर इनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किनका कितना भी करीबी हो, कुछ भी हो, ये उनको मानेगा नहीं, ये जो खुद का डिसीजन है वही लेगा। हाँ, अगर दोनों का ही मैच हो जाती है तो ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर की इंडिकेशन को दिखाती है। बात करते हैं माइंड लाइन की लंबाई को लेकर। देखिए, माइंड लाइन की जो लंबाई हो मीडियम है, साथ में कुछ इस तरीके का लाइन बन रही है जो हल्की सी डबल माइंड लाइन की फॉर्मेशन को दिखाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन माइंड लाइन जो है क्या है, मीडियम लेंथ की है। तो ऐसे लोगों के लिए क्विक बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है आमतौर के, उस बिज़नेस में जाना और वहाँ पे बहुत जल्दी सक्सेस मिलना थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसे लोगों को क्या करियर बहुत अच्छी रहती है, जॉब करिए, नौकरी करिए, और वहाँ वो भी आपके लिए मीडियम टर्म के लिए होगा। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे माइंड लाइन वालों को भी मिलती है, लेकिन वो क्या होती है, वो जनरली होती है कि इस तरीके का जॉब ट्रांसफरेबल, 4-5 साल आप कहीं पर रहे, उसके बाद 4-5 साल बाद फिर से आपको ट्रांसफ़र हो जाए कहीं और जगह पर। ठीक है, तो उस तरीके का होता है, या फिर ये प्राइवेट में जॉब करे, कहीं पे 4-5 साल रहे, उसके बाद दूसरी कंपनी चले जाए, तो हर 4-5 साल 6 साल इस तरीके का इनके कैरियर में कुछ चेंजेस आता रहता है। कई कई बार नौकरी में चेंजेस आ जाता है, नौकरी फिक्स रहे तो जगह बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका कैरियर रहेगा, तो ये बहुत कड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है जहाँ पे आप 5-6 साल के बाद आपका तबादला हो रही है, तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं तो 4-5 साल रहना एक कंपनी में ठीक है, उसके बाद छोड़ना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो ऑफर आती है वो बेटर आती है दूसरी कंपनी से। तो इस तरीके का आपका करियर रहेगा, करियर की बात रहेगी, मतलब नौकरी अगर आप करते हैं तो इस तरीके का आपका करियर पथ रहेगा। बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग की तो रेमेडी आप ले रखे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेंथ भी हमें मोटा मोटी ठीक ठाक दिख रही है, 50-60% स्ट्रेंथ है मार्केटिंग अमाउंट में। तो बिजनेस आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे आप टाइम दे सके स्टेबल होने में, मतलब ऐसा बिजनेस शुरू करने, शुरुआत में ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, 3-4 साल लगेगा आपको कोई भी बिजनेस में एक जगह पे पोजीशन में पहुँचने के लिए, उसके बाद वो बिजनेस आपके लिए सक्सेस देगा। तो कभी भी अगर किसी भी तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो 3 साल आपके हाथ में होना चाहिए, 3-4 साल कि मैं उसमें स्ट्रगल करूँ, उसमें जाके मुझे सक्सेस मिले तो मेरे लिए चलेगा, मैं 3-4 साल इसको दे सकता हूँ। तो उसी तरीके का ही बिज़नेस में जाइएगा, नहीं तो बिज़नेस में क्या होगी कि थोड़ी बहुत अपने पैसे जुगाड़ कर लिए और किसी बिज़नेस में चले गए तो क्या होगी, वो जो टाइम रहेगा उसमें क्या होगी, आपके सारे पैसे, सारे जो आपने जुगाड़ किए हैं, सब कुछ आपका वहाँ पर लॉस या खर्चा हो जाएगा। आखिर में चल के जब आप एक्सपीरियंस गैदर कर लेंगे उस बिज़नेस को ठीक ठाक चलाने के लिए, क्योंकि ये माइंड लाइन एक्सपीरियंस चाहता है सक्सेस के लिए, तो तब क्या होगा, तब आपके पास वो बिज़नेस चलाने के लिए पैसे वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप बिज़नेस कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। लाइफ लाइन शुरुआत से ही प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, देखिए डीप है, बहुत ज़्यादा हमें चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारी कट है। ठीक है, और इस लाइफ लाइन में अगर हम लोग बहुत क्लोज देखेंगे तो हर एक जगह पे हमें शेडो दिखेगी,
यहाँ पे देखिए शेडो है, ठीक है, और यहाँ पे लाइन जो है बहुत ज़्यादा मोटी और गहरी है, और जो शेप है वो भी इस तरीके का बेंट है जो नेगेटिव मानी जाती है। तो लाइफ लाइन थोड़ी कमज़ोरी को दिखाती है। तो करना क्या है आपको, हमेशा ही जिम करनी चाहिए। ये जिम करते हैं, मैंने इनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जिम करता हूँ। तो जिम अगर करते हैं तो जब तक आप जिम करेंगे ये लाइफ लाइन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। सिर्फ जिम ही नहीं, कोई भी आउटडोर एक्सरसाइज जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल जो एनर्जी है वो ड्रेन कर किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का खेल कूद हो, योगा हो, जिमनेशियम जिम हो, ठीक है, तो वो सारे चीज़ आपके हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। जब तक रहेगा ये लाइफ लाइन आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप एकदम छोड़ देंगे सारे फिजिकल एक्टिविटी, तब जाके ये लाइफ लाइन आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करेगा, क्योंकि शेडो वाली लाइफ लाइन में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो है बीमारी वो बिल्ड होती है, धीरे धीरे करके बिल्ड होती है, स्लोली स्लोली बिल्ड होती है, और आखिर में चल के जैसे कि ब्लड शुगर हो, हाई प्रेशर हो, धीरे धीरे बिल्ड करती है, बाद में जाके आती है तो नॉन क्यूरेबल होती है। उसके लिए ज़िंदगी भर तक क्या है मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो उस तरीके का चांसेस बन सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ही जिम वगैरह ये सब करना चाहिए। लाइफ लाइन में यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बहुत करीब की एज है, 30 से शुरू होगा, करीब करीब 33 तक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ना ये एसेट की इंडिकेशन को दिखाती है। इस टाइम में आप एसेट आपको मिल सकती है या छोटा मोटा कोई एसेट आप बना सकते हैं। सनमाउंट में भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, हल्की थी लेकिन थी, तो ये दो ट्रायंगल मिलकर आपको इस टाइम में कुछ एसेट आप बना सकते हैं खुद के लिए, या आपको गिफ्ट भी मिल सकती है। एक असेंडिंग लाइन वो तो निकल चुकी है 24-25 की एज में, और यहाँ पे ये वाली भी असेंडिंग लाइन है जो करीब करीब 32 के करीब है, जिससे हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिखने को मिली थी। तो ये जो 32 आने वाला एज है वहाँ पे आपको एक नया शुरुआत मिलेगा अपना, ठीक है, चाहे जॉब हो या कोई बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 32 के करीब एक नया चांस मिलेगा कैरियर में, और पुराने अगर कैरियर है तो उसमें आपको तरक्की मिलती हुई दिखेगी, बड़ी प्रमोशन या पहले से एक नौकरी कर रहे थे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, इस तरीके का सिचुएशन वहाँ पे 32 के एज में आपको अराउंड में आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। और एक ट्रायंगल है ये लेटर एज में है, आफ्टर 40 है, 40-45, वहाँ पे भी एसेट आप बना पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे, और आगे चल के लाइफ लाइन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन 50 के बाद जो है इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें लाइफ लाइन क्या है, थोड़ी डीप, ज़्यादा डीप है, और थोड़ी जो इसकी जो चाल है वो मतलब रॉन्ग साइड में ये टेढ़ापन हमें देखने को मिल रही है, रॉन्ग टर्न है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ लाइन होना तो चाहिए कैसा ऐसा, ऐसा हो रही है कैसी ऐसी, तो जिनके कारण क्या है कि वहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, उसके बाद आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी उस एज के बाद। अभी जो मेन चीज़ है इस पाम की कि इनके कैरियर कब शुरू होगी, कैसी चलेगी, तो उसके लिए हमें फेथ लाइन की जो फॉर्मेशन है उसको अगर हम लोग देखें तो राइट पम्प में ये जिम करते हैं या बाइक चलाते हैं, जिनके कारण यहाँ पे एक स्पॉट आ गया है। इस स्पॉट आने के कारण क्या हो रही है हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये फेथ लाइन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट पाम को देखेंगे। लेफ्ट पाम में ये स्पॉट नहीं है, जिनके कारण हमें लेफ्ट पाम में क्या देखने को मिल रही है, क्लियर ये फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि ये जो है थोड़ी लेट ही शुरू हो रही है। लेफ्ट पाम में देखेंगे और राइट पाम को भी अभी हम लोग उसी तरीके से ड्रॉ करके एनालिसिस करेंगे। तो राइट पाम में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये यहाँ से शुरू हो रही है और सीधी जा रही है, तो एकदम सीधी जा रही है, कहीं पे भी कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरीके का अगर फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कोई फेथ लाइन तो ये दिखाती है 31 ही हम लोग पकड़ सकते हैं। 31 तक आपके करियर में स्ट्रगल रहेगा, मतलब अभी आपका कुछ काम करेंगे या नौकरी करेंगे जॉब करेंगे तो उतना तरक्की आपको प्रोग्रेस आपको नहीं मिलेगा, छोटा मोटा सक्सेस बीच बीच में मिलता रहेगा वो दूसरी बात है, लेकिन आपकी जो गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, उसको सेव कर पाएंगे, उससे अपने लिए कुछ बना पाएंगे, एसेट हो या हो, हेवी बैंक बैलेंस हो, सब कुछ जो है वो आपका 31 से शुरू होगा, मतलब अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छे पैसे, जो भी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम है वो आपका शुरू होगा 31 के बाद। उसके बाद क्या, 31 से तो शुरू ही होगा। हाँ, अगर आप नौकरी, सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो वो एज भी आपकी 31 के करीब ही अच्छी रहेगी, जिसे आप पा सकते हैं।
या आप बहुत अच्छी नौकरी उस टाइम में वहीं पे पा सकते हैं, पहले से नौकरी कर रहे हैं उसी एज में आते आपको एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी सक्सेस उसी एज के बाद ही मिलेगा 31 के बाद। उसके बाद क्या शुरू होने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत 2-3 साल के अंदर छोटा छोटा कट है जो एक्सपेंडिचर को दिखाती है, ये बहुत सारे कारण से हो सकती है। आपने कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, या फैमिली में किसी का कुछ प्रॉब्लम आ गया जिनके कारण किसी के हेल्थ में इशू आ सकती है, ठीक है। कहीं पे आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के कारण भी हो सकती है। तो हर 2-3 साल में आपका कुछ पैसे तो खर्चे, लेकिन फेथ लाइन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है नहीं। तो ये दिखाती है आपको एक नॉन स्टॉप प्रोग्रेस मिलता रहेगा और आप एक अच्छी प्रोग्रेस जो है उस कैरियर में करेंगे नॉन स्टॉप। आपका करीब करीब 50 तक तो ये एकदम चलता रहेगा। तो 31 से लेकर 50 20 साल के करीब आपका जो कैरियर है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इस टाइम में आप बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें तो ये फ्लैग फॉर्मेशन दिखी थी, ठीक है ना। अभी ये बहुत कुछ चेंजेस आ सकती है, यहाँ से ये लाइन डीप में आ सकती है, इस तरीके से डीप होकर आ सकती है। तो क्या है कि कैरियर में 50 के बाद कुछ चेंजेस आएगी जो इनके लिए बहुत हाईली सक्सेसफुल रहेगा। अगर इसी तरीके का हल्का फॉर्मेशन हो जैसे इस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है बहुत ही हल्की फेथ लाइन उसके ऊपर फ्लैग, तो बीच में 50 से लेके 55 तक कुछ स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद फिर से तरक्की आ जाएगी। अगर ये लाइन फर्दर ग्रो नहीं करती है नीचे, अगर ग्रो करती है तो ये कम होता जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि आपके जो पिछला फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप है। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे इसी तरीके का ही सिचुएशन बन रही है, लेफ्ट पाम में भी अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके का ही सिचुएशन बन रही है। देखिए दोनों ही पाम किसी भी तरीके से एनालिसिस करिए एक ही तरीके का दिखेगा। तो ये जो फेथ लाइन है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी देखिए छोटी सी फेथ लाइन है, तो ये अगर आगे आती है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अगर है तो इसी तरीके का ही जो इनकम जो है ये 50 के बाद जिसको छोड़ेगा और करियर में जो भी चेंजेस लाएगा वो कंटिन्यू होगा। अगर नहीं आती है इसी तरीके का रहती है तो बीच में कुछ 2-3 साल का एक गैप रहेगा जहाँ पे इनका इनकम बहुत ही कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से इनकम में सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो स्ट्रगल है 50 के बीच में, 50-55 के बीच में हमें स्ट्रगल देखने को मिल रही है और बड़ा कुछ नहीं है। तो ये रही इस पाम के एनालिसिस। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, फीस डिटेल दिया हुआ है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आप लोगों को फ़ोन पर बात कर लूँगा या डिस्कस कर लूँगा। शुक्रिया।